जनता को मैं खुले और उसके बाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे मिल के उद्घाटन में पहुंचे परम पूज्य राज्य श्री आचार्य सुदर्शन महाराज जी कि हम लोग धन्य धन्य हुए और इनके कृपा से सारी व्यवस्था हम लोग की चलती रही। पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री विमल शुक्ला जी को जो एक गार्जियन के रूप में अपना छाया हमेशा बनाए रखते हैं, धूप और छाँव और हमेशा एक त्रिपाल और एक छत की आभा सबको होती रहती है। पुनः श्री सुधाकर सिंह जी पूर्व कृषि मंत्री जो इस पंचायत में इस मिल परिसर में पहुंचकर इस मिल परिसर के गरिमा को बढ़ाने का कार्य किए हैं, इसलिए हम दिल से नमन और धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच आई विधान परिषद रेखा कुमारी जी, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनकी तो ये पूरी सभा ही है, फिर भी अपनी अहम समय निकालकर समय पर यहाँ पहुँची, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हम अपने गार्जियन श्री रणधीर सिंह चौहान जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हर एक जगह हर एक पल जब जहाँ आज इतनी बेचैनी थी, गाड़ी खराब हो गई थी दूसरे के गाड़ी से, नीचे मॉडल की गाड़ी से पहुंचकर अपने छोटे भाई को धन्य धन्य कर दिए, दिल से जो है का बैग शांत पड़ गया। इससे आभास कर सकते हैं आप कि हम अपने भाई को कितना प्रोत्साहित हमारे भाई के आने से हम हुए हैं। उसके बाद हमारे गुरु हमारे दिशा करता श्री पंकज कुमार झा जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इस मिल परिसर में पहुंचकर इस मिल की गरिमा को उजागर किए और यह मिल धन्य धन्य हुआ। और हमारे कोऑपरेटिव चेयरमैन साहब श्री सुधीर कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं क्योंकि ये मिल जो बैठी है अभी इन्हीं का सेवा करेगा, इन्हीं के सेवा के लिए बैठा है और यहाँ पधार कर यहाँ पहुँच कर इस मिल को धन्य करने का काम किए हैं, इसलिए इनको दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बाकी हमारे बीच बैठे आनंद बिहारी जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, राणा राजीव जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, मुकेश बाबू, राघवेंद्र बाबू और मंचा सिंह सभी व्यक्ति को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे इस मिल परिसर के सभा में आए जितने भी गार्जियन दोस्त बुजुर्ग उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि इस मिल को एक आशीर्वाद दीजिए कि ये मिल चले। आज रीगा मिल बंद होने से किसानों की रीढ़ टूट गई है, ये मिल को यहाँ चलाने में थोड़ी सी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन मेरे मन में था कि एक बड़ी मिल खुलने से 50-100 रुपया भी धान की ज्यादा कीमत मिले तो किसान को एक मदद मिलेगा, क्योंकि ईंट तो बिक नहीं रहा तो गन्ना की खेती होगी कैसे, तो धान की खेती हो रही है तो धान की खेती से भी कुछ ढंग का पैसा आवे, इसलिए इतनी बड़ी मिल इस बीच में दी गई। और विशेष हम क्या कहें, आप सभी के आशीर्वाद बना रहे और ये मिल चलती रहे, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। और अभी तो बाकी सभा शुरुआत हुई है, बड़े गार्जियन मंचा सिंह गार्जियन सभी लोग को संबोधन करना है, इसलिए अल्प समय में हम सर 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 एक मिनट बैठ दीजिए, एक मिनट सर, यहाँ के किसान के लिए आप बताएंगे कि उसना चावल मिल, ये उसना चावल मिल के बारे में पूरी जानकारी अवगत कराएंगे कि यहाँ पर
देखिए उसना चावल मिल जो है, अरवा चावल मिल जो है सीतामढ़ी जिला में जी, अरवा की बिक्री बंद हो गई, कोई खरीदता नहीं अरवा। उसका कारण है कि अरवा चावल विषाक्त हो गया, WHO ने भी घोषित कर दिया, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे शुगर, BP। और उसना चावल मिल अपने जिला में है नहीं, और उसना चावल की कीमत हम ही लोग वही अरवा खरीदते हैं तो 21 रुपया, और वही उसना हाफ ऑयल खरीदते हैं तो 32 रुपया। तो अगर ढंग के रेट में अगर किसी मिल का प्रोडक्ट बिकता है तो आपके धान की भी कीमत बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों का एक नया ये चीज है, एक कतरनी धान होती है जिसको आज तक ये बेचते थे 1500-1600 में, ये मिल जब ओपन हो रही है 2001 से स्टार्ट होगी, तो एक 200-400 रुपये की जी 2000 के रेट में सरकार खरीदती है और डायरेक्ट ये मिल 2000 के रेट में लेने लगेगी। तो एक पहली सुविधा ये हुई। दूसरी सुविधा हुई कि किसान उस बल पे, मिल के बल पे कोई फसल उपजाता है, नहीं कि फसल उपजेगा तब मिल खुलेगा तो वो कैसे फसल उपजाएगा। जैसे रीगा मिल बंद हो गया तो टोटल गन्ना की खेती बंद हो गई है, तो इस मिल से यहाँ के इर्द गिर्द के किसान को एक प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत सौभाग्य की बात है, परम पूज्य के हाथों हमारे रामजो जी को सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। आज पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद राजू जी को मिल चुका है, अब ये इनके दिन सभी लोग उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है कि आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी उपस्थित हुए, और इनको हौसला बढ़ाने हम आग्रह करेंगे। सुधीर कुमार जी से कि आप आए और दो पक्ष इस अभियान के लिए आज राजू जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी जिला में पहला उपलब्धि लगाने का काम किया, साथ ही आचार्य सुदर्शन जी का, बड़े भाई विधायक पूर्व मंत्री कॉलेज के जमाने से सब कुछ आचार्य सुधाकर जी, सुधा